पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा ज्यादा वैट वृद्धि वसूलने के विरोध में शनिवार को प्रदेश के 7 राज्य पेट्रोल डीजल पंप सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील बगई ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भी वैट में कमी नहीं की तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। थोड़ी राहत की खबर यह है कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से संचालित कोको पंप खुले रहेंगे, लेकिन इसकी संख्या भी बेहद सीमित है। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट की दर पड़ोसी राज्य के बराबर की जाए, साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वैट लगाया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि पहले एक दिन 10 अप्रैल को हड़ताल की जाएगी, यदि सरकार नहीं मानी तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी डीलर्स चले जाएंगे। इस हड़ताल से पेट्रोल पंप के ड्राई होने का खतरा भी हो सकता है। इसकी वजह यह भी है कि पंप संचालक शनिवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पेट्रोल या डीजल की कंपनियों से खरीद भी नहीं करेंगे। ऐसे में रविवार को कुछ पंप ड्राई होने की सूरत में भी आ सकते हैं।